हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइज चैनल। आज देखेंगे टुडेज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द यूपीएससी आईएएस आईपीएस आईएफएस आईईएस एंड अदर दैट इज यूपीएससी एग्जामिनेशन। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिविल सर्विस प्रीलिम बूस्टर हम देख रहे हैं एमसीक्यू फॉर द 2020 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड विल बी द फर्स्ट ऑफिशियली। ओके, मास्टर लिस्ट ऑफ नागालैंड इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स। सेकेंड इज दैट इज इनर लाइन परमिट इज ऑपरेशनल इन अरुणाचल प्रदेश मिजोरम एंड नागालैंड। इन दोनों में से आंसर कौन सा है? तो आंसर है वन ओनली टू ओनली, बोथ वन एंड टू। ठीक है, एंड नाइदर वन नॉट टू। तो इसका जो है ये पहले दिया क्या है, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड विल बी द फर्स्ट ऑफिशियल मास्टर लिस्ट ऑफ नागालैंड इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये जो रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स है। ठीक है, ये लोग क्या है, नागालैंड विल बी द फर्स्ट ऑफिशियल मास्टर है ये नेशनल इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स के लिए। उसके बाद इनर लाइन परमिट इज ऑपरेशनल इन अरुणाचल प्रदेश मिजोरम एंड नागालैंड, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। यार तो आंसर इज हियर। देन नेशनल मिशन ऑफ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस मीन्स इसका फुल फॉर्म है जीईएम। जीईएम बहुत इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट ई मार्केट। ओके, वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जीईएम बेसिकली गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, ये है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ओके, द आंसर इज डी हियर। The report regulatory indicators for sustainable energy is released by, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, द रिपोर्ट रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर द सस्टेनेबल एनर्जी इज रिलीज बाई यू एन। ओके, यू एन ई पी। तो आंसर हियर इज बी। पश्मीना गट करेक्ट स्टेटमेंट इज यार इट इज इट इज इनहेबिटिंग द प्लेट्यूज इन तिबेत नेपाल, पार्ट ऑफ द बर्मा एंड नाइबरिंग एरिया ऑफ द लद्दाख। ये करेक्ट है, पश्मीना गोट इज इनहेबिटेंट द प्लेट्यू इन द, ये कहाँ पे, तिब्बत में है, नेपाल में है, पार्ट ऑफ बर्मा में है, दैट इज नाइबरिंग एरिया ऑफ लद्दाख में। इट इज ऑल्सो नोन एज द चंगत हंगी। ओके, चंतंग दैट इज चंतंग हंगी। ओके, तो ये बोथ वन एंड टू आर करेक्ट है, ये पश्चिम बंगाल जो है ये यहीं पे दिखा देता है, तिब्बत नेपाल पार्ट ऑफ बर्मा नेबरिंग में लद्दाख में। ओके, इसका नाम भी दूसरा नाम है वही है, दैट इज चंगत हंगी। ओके, आंसर ये जी सी, दैट इज डुगोंग। ओके, डुगोंग करेक्ट स्टेटमेंट इज ये डुगोंग है, ये सी का एलिफेंट भी इसको बोलते हैं। इट इज स्पेसिस ऑफ द सी काउ, इसको सी काउ भी बोलते हैं। फाउंड थ्रू आउट द वार्म लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन वार्म ओशन ओनली। तो यहाँ पे जहाँ पे ओनली आ जाता है वहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो ओनली यहाँ पे मीन्स यहाँ पे गलत है, ये बहुत जगह पे भी दिखा जाता है, जापान में दिखा जाता है, श्रीलंका में दिखा जाता है। ओके, द डोंगोंग इज द ओनली स्ट्रिक्टली हर्बल हर्बीवोरस मैरन एनिमल्स। या करेक्ट, तो ये है क्या है, हर्बीवोरस एनिमल्स है, ये ओनली सी में ये जो घास पेड़ पौधा ठीक है तो ये खाता है। तो हियर आंसर इज बी। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन करेक्ट स्टेटमेंट, इट वॉज अडोप्टेड इन 1972 बाय द मेंबर स्टेट ऑफ द यूनेस्को। 18 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड हेरिटेज डे टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द हेरिटेज अमंग द कम्युनिटी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। इट इज ऑल्सो अडॉप्टेड इन 1972 बाय द मेंबर्स ऑफ यूनेस्को।
उसके बाद 18 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज वर्ल्ड हेरिटेज डे। ओके तो आंसर ये है सी। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।